वेलकम टू माय चैनल इंडियन टामैक। आज मैंने वीडियो बनाया है FZ25 के टायर प्रेशर, करेक्ट टायर प्रेशर कौन सा रखना है उसके ऊपर। रिसेंटली मैंने अपनी बाइक सर्विस कराई थी और मैं ऑथराइज्ड यामा वर्कशॉप में गया था, तो वहाँ पे उन्होंने गलत टायर प्रेशर सेट कर दिया, जिसको देख के मैं काफ़ी शॉक हो गया। एंड जब मैंने उन्हें करेक्ट टायर प्रेशर सेट करने के बारे में बताया, तभी उन्हें पता चला कि उन्होंने यहाँ पे इस टाइप का टैग दिया हुआ है एंड इस तरह से टायर प्रेशर सेट करना है, जो ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा सा ना मुझे बहुत अजीब लगा। बट इसलिए मैंने सोचा कि आप सब FZ ओनर्स को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, एंड आपको मैं बता दूं अगर किसी को नहीं मालूम है तो। हमारे बाइक पे ऑलरेडी एक जगह होती है जहाँ पे टायर प्रेशर का स्टिकर लगा हुआ है कि आइडियल टायर प्रेशर क्या सेट करना है आगे का और पीछे का। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये है बाइक का बैक साइड जहाँ पे से हम चेन को देख सकते हैं। ये जो स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर हर बाइक पे होता है, हर स्कूटर पे होता है और फोर व्हीलर्स में भी होता है, बस उनके पोजीशंस डिफरेंट होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आदमी की साइन दिखाई गई है और यहाँ पे फ्रंट टायर और ये बैक टायर का प्रेशर दिया हुआ है। हम सिर्फ ये 24-29 को ही कंसिडर करेंगे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे कि अगर कोई एक बंदा राइड कर रहा है तो आपका फ्रंट टायर प्रेशर होना चाहिए 25 एंड पीछे का टायर प्रेशर होना चाहिए 29। वैसे ही अगले केस में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी दो लोग का साइन दिया है, मतलब अगर आपके पीछे कोई और साथ में बैठा है तो भी आपको 25-29 का ही एयर प्रेशर मेंटेन करना है। तो आप कभी भी किसी पेट्रोल पंप पे जब हवा भरने जाएं तो आई वुड रिक्वेस्ट आप ये टायर प्रेशर ही सेट करवाएं एंड उसे अपने तरफ से कुछ सेट करने ना दे, बिकॉज वो लोग कभी भी रैंडमली कुछ भी टायर प्रेशर भर देते हैं एंड वो दिक्कत हो जाती है, आपको इनबैलेंस भी लगेगा बाइक चलाते वक्त। सो आई होप आपको ये वीडियो का अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा एंड आपका फीडबैक जरूर कमेंट करिएगा प्लीज। थैंक यू।